महिला कांग्रेस सोलन द्वारा आज सोलन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला कांग्रेस सोलन की जिला अध्यक्ष उमा गर्ग ने की। उमा गर्ग ने कहा कि बीते दिनों भाजपा महिला मोर्चा ने सोलन में तीज का त्योहार मनाया, लेकिन वहां पर न तो किसी महिला ने मास्क पहना था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग ही खुद नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष दी न तीज के कार्यक्रम में शामिल थी, लेकिन उनकी अध्यक्षता में वहां पर जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं उन्होंने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर बात करते हुए कहा कि जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। अब जाकर सरकार को याद आई है कि अर्की में उद्घाटन किए जाएं, लेकिन जब मुख्यमंत्री अर्की दौरे पर आए तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे, लेकिन कैबिनेट बैठक में उन सभी घोषणाओं के बारे में मुख्यमंत्री का ध्यान तक नहीं गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी देश प्रदेश में लगातार अपना कहर ढा रही है, लेकिन सरकार के लोग ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्गीय परिवार समेत हर वर्ग को घर चलाना मुश्किल हो चुका है, खाने पीने की वस्तुएं समेत सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में होने वाले उपचुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देकर 2022 में कांग्रेस को प्रदेश में सत्तासीन करेगी। आज हमने महिलाओं के मुद्दों के बारे में बात की, महंगाई के मुद्दों के बारे में बात की, हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उन मुद्दों में बात की, और जो किसानों को किसानों की जो हक की वो भी बात हमने आज यहाँ की। और आने वाले समय में जैसे अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी हम महिला कांग्रेस जो बढ़ चढ़ के भाग लेगी हर एक पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। और अगर ये भाजपा सरकार अपनी नीतियों को अपनी महंगाई को बदलती नहीं है और महंगाई को कम नहीं करती है तो महिला कांग्रेस जो इसके धरना प्रदर्शन करेगी, सड़कों में उतरेगी और हम कड़ा विरोध करेंगे और इस सोई हुई सुस्त सरकार को जगाने का पूरा जो है हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से इसको पूरी तरह से जो हम सत्ता से बाहर फेंकेंगे। आपने देखना 2022 में भी चुनाव हो रहे हैं, जितने इन्होंने जनता के साथ अत्याचार किए हैं, जितना भी इन्होंने जनता को जो आज नुकसान किया है और जितनी महंगाई की आग में झोंका है, ये सब खामियाजा इनको 2021 में जो उपचुनाव में भी भुगतना पड़ेगा और 2022 में भी इनको भुगतना पड़ेगा। हम इसको सत्ता से बाहर धकेल लेंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।